कितना खूबसूरत है यहाँ पे, बर्फ ही बर्फ है साइडों पे और यहाँ मिडल में से चल रहे हैं। बर्फ चेक करो कितनी खतरनाक बर्फ है, मतलब 5-5 फीट गहरी बर्फ है। अब यहाँ पे चलने वाला नाच खुदाई, नाच खुदाई चलेगी। एक्सीडेंट हुई थी, ये चेक करो, एक्सीडेंट नहीं हुई थी, बर्फ में बर्फ जो थी आई थी उससे ये जो नीचे चली गई थी। एक मतलब एकदम पूरा इतना खूबसूरत लग रहा है, मतलब इसको बंदा देखता ही रहे, पानी ग्रीन कैसे है, मतलब In previous vlog, we crossed the Jila. Here is second part. अभी ना ये जो बर्फ है ना, इसमें से हम बर्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आगे जो है बोलना बर्फ है उसमें हाथ डालने की कोशिश करेंगे कि हम बर्फ उठा पाए। देखते बर्फ उठा पाएंगे नहीं, यहाँ से नाल जोड़ी है, नाल जोड़ी हो, नाल जोड़ी हो, यहाँ से हम बर्फ उठाने की कोशिश करेंगे। और हाथ नहीं पूछे रे, तो फाइनली गाइस हमने बर्फ पकड़ ली हाथ में। बाकी इधर से आप कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जितना पीछे पहाड़ था उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी है, हम कोशिश करेंगे बर्फ उठाने की, ट्राई करते हैं बर्फ उठाने की, ट्राई करेंगे। छत पे बैठा हुआ और बर्फ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार ये कहाँ से गाड़ी जा रही है, बीच में से इस तरफ ही बर्फ, इस तरफ ही बर्फ, ये बर्फ के पहाड़ है। लेकिन बहुत क्या फाटी है यार, बहुत बहुत तगड़ा सीन है यार, कसम से मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ शायद आपको ना फील करा पाऊँ, लेकिन सीन जो ना बहुत तगड़ा है। तो फिलहाल मेरी सांस में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम जो हाइट में जा रहे हैं, चलते हैं नीचे अंदर जाकर थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो प्लीज हमको सपोर्ट कर देना, मुझे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देखो कौन सी जगह पे बैठा हुआ यार, देखो ऐसे कचरे में बैठा हुआ सिर्फ आपके लिए, प्लीज यार कर देना, अपने भाई को सपोर्ट कर देना, आपसे क्या मांग रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब। तो फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम घुमरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपनी दोनों गाड़ियाँ पार कर दी है घुमरी 0 पॉइंट पे। और यहाँ पे बर्फ चेक करो कितनी खतरनाक बर्फ है, मतलब 5-5 फीट गहरी बर्फ है। अब यहाँ पे चलने वाला नाच खुदाई, नाच खुदाई चलेगी नहीं, अभी चलेगी, अभी चलेगी। तो पहले सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तस्वीर भाई से। तो गाइस इससे ज्यादा नाचने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सांस चढ़ रही है। तो क्या ये चक्कर, बर्फ में चप्पल लगा के आया अभी, इसका चलने वाली है लड़ाई। हम तो ज्यादा नाच नहीं सकते हैं, क्योंकि सांस चढ़ रही है, ऑक्सीजन प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस ये जोजिला 0 पॉइंट, एटीट्यूड 11,649 फीट। तो फिलहाल जोजिला हमने क्रॉस कर लिया है, 11,649 फीट में है अभी, सांस से प्रॉब्लम हो रही है अभी से, अभी और ऊपर जा रहा है, पता नहीं कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी इधर बार थोड़ा बहुत मजा किया, अब आगे की तरफ निकल चुके हैं हम। गाइस अभी हम आ चुके हैं तीनों छत पे, हमने ट्रक जो ऑटोमेटिक पे लगा दिया, ये खुद ही चल रहा है। हम मजाक करो, फारूक भाई नीचे चला रहे ट्रक, हम सभी ऊपर आ गए व्लॉग बनाने के लिए। उन्होंने बोला कि हम भी छत के नजारे लेते हैं, कहा आ जाओ, मैंने तो पीछे जो सबसे मुश्किल जगह थी वहाँ से मैं आया हूँ, आगे आगे ये भी साथ में आ गए, हमें भी ऊपर जाना है। क्या कहना चाहोगे, कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे? आज तो मैं पहली बार मुझे मौका मिला छत में आने का। अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बर्फ ही बर्फ है। गाइस ये चक्रो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ है साइडों पे और यहाँ मिडल में से चल रहे हैं बिना मार्ग। आप यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाएगा, दुआ करना सारे के हम अच्छे से पहुँच जाए। ऊपर से ड्राइवर साहब गाइडलाइन दे रहे हैं नीचे, ड्राइवर साहब को इधर से साइड नहीं दे रही है, जाने दे आराम से। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत नजारे, मजा आ रहा है, बहुत मजा, पहली बार आया ना। गाइस थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, उसके बाद देखते हैं रास बाजार, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। आपको ट्रक दो जिला में चला के कैसा लगा? इसको बोरे से साइड मारते हैं, ये साइड दे रहा, इसके कार में प्रॉब्लम है, आगे बाद वाईफाई कम्युनिकेशन रखेंगे नीचे, सर लेफ्ट सर राइट। तो गाइस अभी बाहर जो है बर्फ बरसनी शुरू हो गई है, ये चेक करो बर्फ, छोटे छोटे बर्फ के बूंदे आ रही है, इतने खतरनाक, मतलब क्या बताऊं, फूल बरस रहे, फूल
तो गाइस पहले कन्वाई में ये वाले दो गाड़ियां एक्सीडेंट हुई थी, ये चेक करो, एक्सीडेंट नहीं हुई थी, बर्फ जो थी आई थी उससे ये जो नीचे चली गई थी, एक वो टोटल 10 गाड़ियां थी और दो यहीं पे है। ये पूरा पहाड़ यहाँ से मतलब बर्फ का नीचे आ गया जो इधर से पार चला गया, कितना नुकसान हो गया यार उसका, यहाँ से इतना जूम करके बता नहीं पा रहा हूँ मैं, ये चेक करो। बस यही देखने के लिए यहाँ पे रुके थे, देखते हैं कितना नुकसान हुआ उनका। अभी जो है टेम्परेचर डाउन हो रहा है, सांस में भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी और ऊपर आए ना। फिलहाल तस्वीर भाई के जूते नीचे गिर गए और तस्वीर तरह बूट बूट आ गया, फिर चलते वापस। आए हाय यार ये नुकसान हो गया, पहली कनवाई भी अंदर हुआ, डॉन का कोई भी नुकसान नहीं हुआ वही बड़ी बात है। और यहाँ पे बाहर ना मेरा हाथ जमने शुरू हो गए, दो मिनट बाद इतनी ठंड हो रही ना कसम से। अभी हमें एक और ट्रक दिखा जो यहाँ से नीचे गया है, वो चेक करो वो वाला, ये चेक करो, ये भी कहीं जरा प्यारा नुकसान हो गया है। ये देखो अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं कुछ प्लेन जगह है, अब जो है डरावना माहौल कम हो गया है, अभी जो है रोड भी थोड़ी ठीक आ गई है। तो गाइस फिलहाल हम मटियान पहुंच चुके हैं और यहाँ पे नाका है, यहाँ पे चेक होगी पर्ची वगैरह हमारी। पहले पुराने वाला ब्रिज वो देखो वो है, नीचे दरिया देखो कितना मस्त हो रहा है। तो गाइस चेक करें द्रास यहाँ से 25 किलोमीटर है, करगिल 84, फुल बैग जो है 122, ले 313, तो बाकी आगे तो उससे ऊपर शायद हम जाएंगे नहीं। फिलहाल यहाँ पे पर्चियां चेक होंगी, जो सुबह हमने कंडा करवाया था फारूक भाई लेके गया वो आगे, हमारी दूसरी गाड़ी आगे निकल चुकी है। बाकी ठंड बहुत खतरनाक हो रही है यार। ये है लद्दाख पुलिस, करगिल ले दोनों यहाँ पे एंट्रियाँ होती है, और इधर के कन्वाई अभी ये है, ये आज यहीं पे रुके हुए हैं, जैसे हम पीछे 7 दिन रुके थे ऐसे इनको अब यहाँ पे 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से कन्वाई छोड़ेंगे तब जाएंगे ये। ये चेक करो कितना अड्डा है, पर ऊपर साइड वाले भी गाड़ी लगी हुई है, नीचे साइड भी गाड़ी लगी हुई है, पूरा ये भरा हुआ है। बाकी रोड एकदम मस्त आ गई, पूरी हाईवे अभी फिलहाल हम मटियान विलेज में पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है मटियान, ये कुछ खूबसूरत सा छोटा सा विलेज है। यहाँ पे मतलब इतने ठंड में लोग कैसे रहते हैं मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन है ये है। होटल वगैरह इधर, बाकी जो टूरिज्म आते हैं उनके लिए रहने सहने की जगह है बहुत सारी। तो अभी हम ना द्रास पहुंचने वाले, और ये पीछे शॉप देखिए हमें, जहाँ से हमने चिप्स वगैरह लिए, बिस्कुट वगैरह लिए, तो ये सब मतलब थोड़ा भूख लग रही थी और सिर में भी दर्द हो रहा था। और बाकी कुछ ऐसी रोड है अब इतनी एकदम मस्त वाली, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, ऊपर से बर्फ आ गई है। अभी मैं एक सनमैटिक शॉट लेता हूँ इधर का। So finally, अल्हम्दुलिल्लाह हम द्रास बाजार के अंदर पहुंच चुके हैं। ये कुछ ऐसा खूबसूरत सा छोटा सा बाजार है यहाँ पे, ये सब टूरिज्म बाइक है जो टूर पे आए हैं बाइकर्स, ये चेक करो। खूबसूरत सा बाजार है ये। Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay. तो यहाँ पे हुई थी करगिल वार, कुछ ऐसी जगह है, चेक करो, अंदर तो जा नहीं पाएंगे अभी हम, टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, वो देखो सब लगा हुआ है, वो इंडिया का फ्लैग, अभी अंदर टॉप शॉप डाली हुई है, पता नहीं कहाँ करगिल वार मेमोरियल ये लिखा हुआ है, इधर आर्मी वाले सर भी ऐसे कर रहे थे, वो देखो बनाया हुआ मतलब इधर ये मेमोरी में बनाया हुआ है, जो कोई वार हुई थी ना करगिल की। तो फिलहाल अभी यहाँ से करगिल जो है 54 किलोमीटर आई थिंक, तो देखते हैं करगिल भी जाके स्टे करेंगे। अभी मेरे सर में दर्द हो रही है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करने वाला हूँ। 2000 years later. तो फाइनली हम द्रास और करगिल के बीच में कोई सो जगह है, इसका नाम पता नहीं, उस जगह पे रुके, यहाँ पे हम बर्तन वगैरह धो लेते क्योंकि पानी मिल गया हमें। और पीछे वाली गाड़ी का टायर पंचर हो गया अचानक से, उसकी नलकी में से हवा निकले शुरू होगी, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसकी यहाँ से कहीं से हवा निकली, इसका भी टायर वगैरह चेंज करेंगे यहाँ पे, उसके बाद खाना वाना बनाएंगे, फिर आराम से यहाँ से आगे जाएंगे करगिल तक। आके यहाँ पे आते ये देखो पहाड़, मतलब कुछ भी पेड़ वगैरह, ये नीचे नीचे है पेड़, ऊपर कुछ भी नहीं, पूरा पहाड़ ऐसे चट्टाने ही, बाकी कुछ नहीं, लेकिन रिवर बहुत मस्त लग रहा है, एकदम ब्लू ब्लू पानी है, एकदम खूबसूरत। फिलहाल यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के खाना वाना बनाते हैं, सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, पता नहीं हाइट पे आया इस वजह से हो रहा है, तरीके से सांस में भी प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही है। फिर भाई हमारे साइकिल लांग रही, मस्त लांग रही, ये रहा हमारे ड्राइवर साहब, ये फिलहाल मैं दरिया के पास आया था आपको दरिया दिखाने के लिए, कितना खूबसूरत है, एकदम मतलब ग्रीन पानी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये चेक करो कितना ग्रीन है, मतलब एकदम पूरा इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मतलब इसको बंदा देखता ही रहे पानी ग्रीन कैसे है, मतलब गहरा है क्या, गहरा भी तो इतना दिख नहीं रहा लेकिन ग्रीन बहुत ज्यादा है। चलो हाथ लगा के देखते हैं टेम्परेचर कितना है इसका, ये जो पत्थर है थोड़ा स्लिपरी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है किसी ने त्रास के रखे हुए, ट्राई करते हैं कितना ठंडा है ये। अरे यार
कसम से यार इसमें मतलब बर्फ नहीं जमी है, बाकी कुछ नहीं है क्योंकि ये बर्फ पिघल के ही आ रहा है। बस यही दरिया पास में से दिखाने के लिए मैं नीचे आया था, चलते हैं वापस ऊपर। तो गाइस आते वक्त मुझे ये दिखा कि नेशनल हाईवे 1 खारबू 2 किलोमीटर है यहाँ से आगे, इसका मतलब इस तरफ खारबू की तरफ ये जा रहा है ये वाला दरिया। तो खारबू पता नहीं कौन सी जगह है, चलेंगे देखेंगे, अगर शाम से पहले पहुंच पाए तो आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल हमें अंदर भेज दिया गया चाय बनाने के लिए, हम बनाते हैं चाय सबके लिए, चाय बनाते हैं यहाँ पे, थोड़ी को चाय पी लेते हैं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:06, ट्रक के नीचे घुस चुके हैं टायर चेंज करने के लिए, रास्ते में टायर ही इसका पता नहीं कहाँ से वो पंचर वाले ने ऐसे ही पंचर लगाया उसका, कल इसका पंचर लगाया रहा। तो फिलहाल चाय चेंज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद टायर वगैरह चेंज करने के बाद हम आगे की तरफ निकल चुके हैं, अब जाके करगिल जाकर रुकने वाले। तो आज का हमारा ये नन्ना सा प्यारा सा ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बशर्ते जिंदगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। पहुंच चुके हैं नमकीला टॉप और इस तरफ है करगिल, इस तरफ है लेह, ये देखो इस तरफ है लेह और उस तरफ है करगिल। तो बाकी ये देखो एल्टीट्यूड इधर का है 12,198 फीट पे है, हम फिलहाल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आई लव नमकीला।